बॉलीवुड में कई तरह के एक्टर हैं, कोई गुस्सैल है, कोई काफी नॉर्मल है, तो कोई अलहर टाइप का है। जॉली एलएलबी 2 के प्रमोद माधुर भी अलहर टाइप के एक्टर में आते हैं। उन्हें एक्टिंग वगैरह का शौक नहीं था और ना ही उन्होंने एक्टर बनने का सपना देखा था, उन्हें पैसा कमाना था तो आ गए फिल्म इंडस्ट्री में। ये बात वो सीना ठोक कर कहते हैं और इसे कहने में कोई बुराई भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेडरिक एंटरटेनमेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर अन्नू कपूर के बारे में बताऊंगी, जिन्हें अनिल कपूर की वजह से अपना नाम तक बदलना पड़ा था। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि अनु कपूर आपको कैसे लगते हैं। एक्टर अनु कपूर पिछले कई दशकों से अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए लोगों का दिल जीत रहे हैं। उनकी एक्टिंग में एक क्लास नजर आता है। उनके बोलने का अंदाज आज भी काफी अनोखा है। उनके एक्सप्रेशंस के सभी दीवाने हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनु कपूर को एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। वो इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए थे, जिसमें काफी हद तक वो सफल भी रहे। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे उन्हें अनिल कपूर की वजह से अपना नाम बदलना पड़ा था। अनु कपूर का रियल नेम अनिल कपूर ही था। जब अनु कपूर मुंबई आए तो उस समय तक अनिल कपूर स्टार बन चुके थे। ऐसे में इंडस्ट्री में दो अनिल कपूर रह नहीं सकते थे। यही कारण था कि उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा और वो अनिल कपूर से अनु कपूर बन गए थे। इसे लेकर अनु कपूर कहते हैं कि अनिल कपूर हीरो हैं और मैं जीरो। जीरो को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। मेरे घर में मुझे लोग अनु पुकारते थे, इसलिए इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए मैंने अपना नाम बदल कर अनु रख लिया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे अनु कपूर एक पंजाबी फैमिली से हैं। उनकी माँ बंगाली थी, उनके पिता एक पारसी थिएटर चलाते थे। अनु कपूर अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए एक चाय की दुकान चलाते थे। उन्होंने चूरन के नोट और लॉटरी टिकट भी बेचे थे। हालांकि अब उनका पूरा परिवार मुंबई में रहता है, वो अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ वहीं रहते हैं। इनकी बहन सीमा कपूर की शादी ओमपुरी से हुई थी। उनके बड़े भाई रंजीत एक निर्देशक और पटकथा लेखक हैं और उनकी बहन सीमा एक निर्माता और अभिनेता हैं। कपूर के छोटे भाई निखिल एक लेखक और गीतकार हैं। 1979 में रिलीज हुई फिल्म काला पत्थर से अनु कपूर ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने कंधार, मशाल, मिस्टर इंडिया और तेजाब जैसे बैक टू बैक कई फिल्मों में काम किया। साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म खानदानी शफाखाना में भी वो नजर आए थे। 1993 में वो टीवी रियलिटी शो अंताक्षरी लेकर आए थे, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। साथ ही उन्होंने कबीर और परमवीर चक्र जैसे धारावाहिकों में भी काम किया है। अनु कपूर 67 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिल्मों में वो अभी भी एक्टिव है। आप अनु कपूर की एक्टिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।